अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये क्वेश्चन जेई मेन 2015 ऑफलाइन एग्जाम में पूछा गया है और ये चल रहा है यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का सॉल्यूशन। चैप्टर कौन सा है? चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। और यहाँ पर मैं बैक टू बैक सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशन ला रहा हूँ जो पुराने जो पूछे गए हैं जेई मेन या IEEE में पूछे गए हैं। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले और चैप्टर्स के और क्वेश्चंस आपको इंस्टेंटली मिल पाएँ। तो देखते हैं ये क्वेश्चन क्या है। अब यूनिफॉर्मली चार्ज सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस कैपिटल आर हैज़ पोटेंशियल वी नॉट मेजर्ड विद रिस्पेक्ट टू इन्फिनिटी ऑन इट्स सरफेस। मतलब एक यूनिफॉर्मली चार्ज सॉलिड स्फीयर है और इसकी रेडियस है कैपिटल आर और इसकी सरफेस पर, यहाँ चार्ज भरा हुआ है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है और इसकी सरफेस पर जो पोटेंशियल है ना वी नॉट है विद रिस्पेक्ट टू इन्फिनिटी। कहना क्या चाहता है क्वेश्चन? फॉर दिस स्फीयर द इक्विपोटेंशियल सर्फेसिस विद पोटेंशियल्स 3V0/2, कुछ पोटेंशियल वैल्यू दे रखी है अपने को, 3V0/2 दे रखी है, 5V0/4 दे रखी है, 3V0/4 दे रखी है एंड V0/4 दे रखी है। एक चीज़ समझ लो यहाँ पे, वो ये कि जब आप अंदर की तरफ जाओगे, सेंटर की तरफ जाओगे, तो यहाँ सेंटर पर जो पोटेंशियल होता है ना वो होता है 3/2 टाइम्स द पोटेंशियल एट द सरफेस, दैट इज 3/2V0। अंदर की तरफ जाने पर पोटेंशियल बढ़ता है और बाहर की तरफ जाओगे तो पोटेंशियल घटेगा। इसका मतलब ये वाली पोटेंशियल वैल्यू और ये वाली पोटेंशियल वैल्यू केवल इस स्फीयर के अंदर ही पॉसिबल है। अच्छा, अंदर के लिए यहाँ तो ये तो डायरेक्ट हमें समझ में आ रहा है यार कि ये वाली जो वैल्यू है वो R1=0 के लिए ही पॉसिबल है क्योंकि सेंटर पर ये वैल्यू होती है, तो फैक्ट है, अपने को याद भी रखना होता है, तो अपन तो डायरेक्टली इसके लिए आंसर कर सकते हैं कि R1=0 है। बट ये वाली जो वैल्यू है, अब देखो ये ग्रेटर देन वी नॉट है ना, सरफेस के पोटेंशियल से ज़्यादा है ना, इसका मतलब ये इंटीरियर में होगी। लेकिन कहाँ पे होगी ये पता लगाने के लिए, मतलब R2 पता लगाने के लिए हमें चाहिए होगा फॉर्मूला। और इंटीरियर के लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है के कैपिटल क्यू सपोज टोटल चार्ज ऑन द स्फीयर है डिवाइडेड बाय 2R³ इंटू 3R² - r² दिस स्मॉल r इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर एट विच पोटेंशियल इज रिक्वायर्ड। तो मैं यहाँ पे वैल्यू लगा देता हूँ फटाफट, v की वैल्यू है, ये पूछ रहा है 5V0/4, तो 5/4 V0 क्या है जो सरफेस पर होता है, सरफेस पर क्या होता है KQ/R, ये लगा देते हैं अपन, इक्वल्स KQ/2R³ इंटू 3R² - r². काटापीटी करो, सॉल्व करके देखो क्या रिजल्ट आता है, ये 2 से 2 बार, ये R से, ये R² टाइम्स, इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 5R² इक्वल्स 6R² - 2r², सो 2r² इक्वल्स कैपिटल R², मतलब स्मॉल r आ रहा है R/√2, तो ये एक्चुअली R2 का वैल्यू बना। ठीक है, अब इन वैल्यूज को हम अभी कैलकुलेट करके रख लेते हैं, फिर हम देखेंगे कि क्या करेक्ट ऑप्शन है। तो R1 0 आ रहा है, R2 कितना आ रहा है R/√2। नाउ लेट्स टॉक अबाउट अदर पोटेंशियल्स, 3V0/4, अब ये V0 से कम है मतलब बाहर पहुंच गए, तो बाहर की स्थिति क्या होती है, बाहर की स्थिति KQ/R से मिलती है और ये इक्वल बोल रहा है किसके, 3V0/4 के, एंड V0 क्या है, सरफेस की पोटेंशियल, तो सरफेस की पोटेंशियल आप कैसे लिखते हो, आप लिखते हो KQ/R से, तो यार इसको कैंसिल कर लेते हैं यहाँ पे, और ये R एक्चुअली R3 है, तो R3 की वैल्यू आएगी 4R/3, तो यहाँ पे हमें R3 की भी वैल्यू मिल रही है 4R/3। इसके बाद फाइनली अपन V0/4 के लिए एक चेक करके देख लेते हैं, ये जो V0/4 है ये कहाँ पर होगा, तो इसके लिए भी कुछ कुछ सिमिलर कैलकुलेशन करनी पड़ेगी दोस्त। V0/4 ऑब्वियसली V0 से कम है मतलब सरफेस वाली पोटेंशियल से कम है, तो फिर से बाहर, और बाहर गए तो KQ/R डिस्टेंस कितनी लेनी है, इसके लिए तो R4 है ना, तो R4 ले लो, चलो KQ/R4 इक्वल्स कितना बोला हुआ, V0/4 मतलब 1/4 V0 क्या, सरफेस की पोटेंशियल, सरफेस की पोटेंशियल कैसे लिखोगे, KQ/R से, इसका मतलब R4 कितना आ रहा है, यार 4R, तो R4 का भी वैल्यू हो गया हमारे पास 4R। अब आप देखिए, चेक करिए इन चारों वैल्यूज के हिसाब से कौन सा करेक्ट ऑप्शन बनता है, तो देखते हैं चलो। सो फर्स्ट ऑप्शन जो है वो क्या बोलता है, R1=0, अच्छा R1=0 है, R2<R4-R3, चलो R4-R3 करना जरा, जब आप R4-R3 करते हो तो 4R-4R/3 ये एलसीएम ले लोगे तो ये हो जाएगा 8R/3, और R2 कितना है R/√2, ऑब्वियसली यार ये तो कमी है, इसका मतलब ए ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो गया। बी देखो, 2R less than R4 है कि नहीं है चेक करो,
2R, 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 R4 कितना है? 4R है यार, तो इसका मतलब R4 जो है वो 2R से तो बड़ा ही है क्योंकि 4R है ये, इसका मतलब ये भी करेक्ट ऑप्शन है। तो यार ऐसा कभी कभार हो जाता है दोस्तों कि जेई मेन का क्वेश्चन है, सिंगल करेक्ट क्वेश्चंस आते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे दो ऑप्शन करेक्ट बन रहे थे, तो उस केस में आंसर की करेक्शन या बोनस वगैरह का सीन बन जाता है। तो करेक्ट यहाँ पे दो ऑप्शन बनते हैं, बाकी सी और डी इनकरेक्ट हैं, ये आप खुद से चेक करके देखिए।